बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 54। हमारा चैप्टर नंबर 8 चाइना स्वे टू प्रोग्रेस जो है वो जारी है। तो चाइना वालों ने एक एग्जाम्पल रही जो सोशल एक्सपेरिमेंट किया, जैसा हमने डिस्कस किया उससे पहले उसने चाइना की दो तीन बातें बताई। उसने ये भी बताया कि हम चाइना को कभी भी रशिया के साथ जो है वो कंपेयर बेटा नहीं कर सकते, और इस वजह से कि रशिया जो है कभी भी चाइना जैसी परेशानियों का शिकार नहीं रहा कि उसके ऊपर जो है मगरिब का इतना ज़्यादा इम्पेक्ट हो, या रशिया के ऊपर कभी ये भी नहीं रहा कि रशिया जो है वो किसी मुल्क की कॉलोनी रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। और चाइना के अंदर मतलब जैसे अदर एशियाई कंट्रीज़ के साथ होता है, उनके साथ ये भी रहा है कि वहाँ की पर्सनैलिटी जो है वो सेपरेट थी, कल्चर सेपरेट था, और उनकी इकोनॉमी जो थी बेटा वो भी स्प्लिट थी। मतलब हर चीज़ को जो है मगरिब ख़त्म कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, वो इस वजह से ताकि कभी भी जो ममालिक हैं बेटा वो इंडिपेंडेंट ना हो सके। तो यही मसाइल चाइना के भी रहे। अब चाइना वालों ने इन मसाइल के ऊपर जो है वो कैसे काबू पाया जाए, सवाल ये है। तो कहता है इन चाइना द इंडिविजुअल यानी हर फर्द को जो है हैज़ बीन रेस्क्यूड, उसको बचाया गया फ्राम द आफ्टरमैथ द असरा इफेक्ट्स जो है इम्पैक्ट्स जो है ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट हेरिटेज, जो बदकिस्मत विरसा जो आपसे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है वो विरसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं विरसे में बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कुछ ऐसे होते हैं बदकिस्मत उनको विरसे में बड़ी बुरी चीज़ें मिलती हैं। तो जो कम्युनिस्ट बरसे इकतदार आए तो वहाँ के जो इंडिविजुअल्स थे, अब ज़ाहिर है चाइना पूरा इनके पास आ गया, उनको विरसे में क्या मिला? उनको विरसे में मिला स्प्लिट इकोनॉमी नंबर एक, नंबर दो स्प्लिट कल्चर, और नंबर तीन स्प्लिट पर्सनैलिटी। ये उनको विरसे में मिला। तो उन्होंने इस पर बेटा कैसे काबू पाया जो है, बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, लोगों में एक साथ का जज्बा पैदा किया कि हम साथ हैं। मुसीबत में सारे साथ हों तो मुसीबत का एलिमेंट कम हो जाता है। ये वजह होती है कि जब कोई परेशान हो, किसी के घर को फौतगी हो गई है, किसी घर को ट्रेजडी हो गई, तो लोग चाहते हैं उसको जो है एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, और इसके अलावा कॉमन पर्पस, मकसद एक जो है सबका मकसद, हमारे यहाँ मकसद जो है लोग सब मकसद एक है हमारे यहाँ, वो ये अपनी वेलफेयर, बस दूसरे के बड़े नुकसान होता है तो मुझे हम सबको भी। चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर जो है सबका कॉमन पर्पस है वो है सेल्फलेसनेस है, और उसके बाद जो है एंड डिसिप्लिन ऑफ मैस ऑर्गेनाइजेशन, अवाम वहाँ पर बैठा उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, डिसिप्लिन दिया उन्होंने वहाँ को। ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे मेन चीज़ बेटा यही है कि आपकी जो अवाम हो वो क्या हो, वो बाशऊर हो। अवाम के अंदर जो है बेटा एक शऊर होना चाहिए। ये हमारे इसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं आज के लेक्चर के, एडिशनल क्वेश्चंस। चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है बेटा, ठीक है। सवाल नंबर एक, हाउ इज इंडिविजुअल saved from the aftermath of किसके बेटा split economy, split culture and split सिविलाइजेशन पर्सनैलिटी सॉरी। कैसे बेटा बताया गया? तीन चीज़ें उसने बताई हैं, आप भी जवाब में ये तीनों चीज़ों का जो है वो जहन में रखेंगे। नंबर एक जो है उसने कहा जी है कॉमन पर्पस, और नंबर दो पर उसने कहा है जनाब के कंपेनियनशिप है लोगों के अंदर, साथ का एहसास जो है कि हम सारे इकट्ठे हैं, और नंबर तीन पे मैस ऑर्गेनाइजेशन जो है अवाम जो है बेटा उनकी वो क्या है, मुत्तहिद है। मेरे ख्याल में सिर्फ ये तीसरा स्टेप हो जाए ना कि अवाम मुत्तहिद हो जाए, अवाम साथ हो जाए, तो इसके साथ आप हर मुसीबत पर काबू पा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए, घर है उसमें जो है मतलब एक आदमी है, उसके चार पांच फैमिली मेम्बर्स हैं, रोज़ आपस में एक कहता नहीं दाल पकेगी, दूसरी कहता नहीं जी गोश्त पकेगा, तीसरा कहता नहीं जी सब्ज़ी बनेगी, अजीब सा मसला रहेगा, वहाँ पर मसाइल रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा, और ज़्यादा अगर आमदन है वो बंदा भी मसले में पड़ जाएगा। इसके बरक्स अगर एक गरीब से लोग हैं लेकिन उनके डिसिप्लिन है, सारे एक ही बात पर एग्री हैं, तो आप देखें कि उनके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी का आंसर होगा, उनके अंदर एक हैप्पीनेस का एलिमेंट भी बेटा होगा, ठीक होगा।
जस्ट एज जिस तरह द वियतनामीज हैव विड स्टूड अमेरिकन टेक्नोलॉजी. वियतनामीज वियतनाम के रहने वाले को कहा जाता है. चाइना के रहने वाले को हम क्या कहेंगे? चाइनीज. पाकिस्तान के रहने वाले को हम क्या कहेंगे? पाकिस्तानीज. अमेरिका के रहने वाले को हम क्या कहेंगे बेटा? अमेरिकन. ठीक है. अब वियतनाम जो है ये एक बड़ा ही मुश्किल आप कह लें या बड़ा स्याह कह लें, स्याह रंग का एक्सपीरियंस रहा है, धब्बा है अमेरिका की हिस्ट्री में. अमेरिका यहाँ पे काबिज रहा, लेकिन उन लोगों ने ना सिर्फ इनको वहाँ से निकाला बल्कि बेटा वो टेक्नोलॉजी उन्होंने ऑफर की जो अमेरिका से किसी भी सूरत में कम नहीं थी. आपके शायद इलम के अंदर ना ये बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं या लैपटॉप्स वगैरह की, ये जब पहले अमेरिका में बनते थे लेकिन वहाँ लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. फिर वो वियतनाम में आए क्योंकि वियतनाम वही क्वालिटी दे रहा है लेकिन लेबर की कॉस्ट कम है. फिर वहाँ से वो मूव करके अब चाइना में आए हुए. आप अपने मोबाइल्स को देखते उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना बाय सैमसंग, मेड इन चाइना बाय ओप्पो, इस तरह करके था. चाइना बना रहा वही क्वालिटी दे रहा है, लेबर जो है उसकी वो कम है. ठीक है. तो सबसे पहले इनको जो इसमें टफ टाइम दिया टेक्नोलॉजी के सबसे बेटा वो कौन थे? वियतनामीज थे. जस्ट है वियतनामीज है विद स्टूड अमेरिकन टेक्नोलॉजी, विद स्टूड बर्दाश्त करना, फेस किया अमेरिकन टेक्नोलॉजी को. सो द असेटिक मिले, असेटिक असेटिक होता है बच्चों दरवेश टाइप. आपको पता है दरवेश वर्ड इंग्लिश क्या है? दरवेश का मतलब क्या है? अ पर्सन हु डज नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन वर्ल्डली पर्सूस, वो जिसको दुनियावी मशागल के अंदर ज़्यादा जो है वो बेटा नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता. जैसे फलां दरवेश आदमी अपने काम से काम रखता है, उसको किसी के साथ कोई उजर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. हैव गॉन, अच्छा जी, हैव गॉन स्ट्रेट, वो सीधे गए हैं टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, उन मसाइल के हल की तरफ जो है. दैट हैव, अब दैट यहाँ पर बेटा रिलेटिव प्रोनाउन है प्रॉब्लम्स के लिए है. प्लेग एशियन कंट्रीज, इन्होंने प्लेग अब जानते हैं वबा वगैरह ताउन की वबा. अब वबा जो है जब ये आती है तो डेफिनेटली परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी इस किस्म की सेंस के अंदर होती है. तो उसी का वो इसका बनेगा प्लेट का जनाब एफ्रिक्टेड कह रहे हैं, वरीड कह रहे हैं, ट्रबल्ड कह रहे हैं. कंट्रीज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स हमारे ममालिक को इन मसाइल में, ये अभी आप जिक्र आएगा आपको कौन कौन से मसाइल हैं, हजारों सालों से झगड़ा हुआ है और बदकिस्मती से हम अभी तक उन्हीं मसाइल का शिकार है. वो मसाइल क्या है बेटा सुनेंगे? नंबर एक, लैक ऑफ फूड, खुराक हमारे पास पूरी दस्तयाब नहीं है. नंबर एक सबसे पहले खुराक की कमी है. दूसरा सुने, एंड द लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन. दूसरी तरफ गजाइत का मैार भी पस्त है, यानी जो अवेलेबल है उसका स्टैंडर्ड किसी का नहीं. लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, ग्रॉस इनक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड कंजप्शन. अच्छा, ग्रॉस के बड़े तर्ज में ग्रॉस टोटल को भी कहते हैं, ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी जो है आपकी तमाम अलाउंसेस के बशमूल जो है. एक ग्रॉस का तर्जमा होता है वाजे, वाजे डिफरेंस है किसका? एक इनक्वालिटी ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, इनकम और कंजप्शन का. कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, डिफरेंटली उनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, डेफिनेटली कंजप्शन भी कम होगी. बहुत बड़ा फर्क है. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वहां पे होती है बहुत ज्यादा, एंड अ सेंस, और उसके साथ साथ एक फीलिंग भी है किसका? ऑफ सोशल यूजलेसनेस. जाहिर एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है बेटा, जब वो मतलब अनएम्प्लॉयड है, वो कहीं जा नहीं रहा, तो उसके अंदर सबसे जो पहला एहसास पैदा होगा वो बेकारगी का एहसास पैदा होगा कि मैं बेकार हूँ, अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है. सोशल यूजलेसनेस एंड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज. ब्लाइंड, अंधाधुंध, एक ब्लाइंड होता है अंधा, एक होता है रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड, तेज, और वो जो आपके कंट्रोल से बाहर हो. एक्सपेंशन, ई एक्स पी ई एन वाला एक्सपेंस, वो महंगा होता है, ई एक्स पी ए एन वाला होता है, तो वो फैलना, फैलाव जो है. हमारा सवाल नंबर, तो विच प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं बेटा, विच प्रॉब्लम्स हैव एफ्लिक्टेड एशियन कंट्रीज, कौन सी बीमारियां हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. यह हम क्या लिखते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सॉरी, कौन कौन सी हैं
आपके पास जो है वो खुराक पूरी नहीं है, और जो है गजाइयत जो है उसका मेयार बहुत पस्त है, क्वालिटी बड़ी लो है उसकी, इसके अलावा जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जनाब, और आपको एहसास है कि जनाब आपका जो है सोशली जो है बेकार है, इनकम और कंजप्शन का बड़ा वाजिब फर्क है, दौलत चंद हाथों में जो उनका इरतकाज हुआ है। तो ये वो मसाइल हैं जिसने बेटा एशियाई ममालिक को जो है कई सालों से जो है वो जकड़ा हुआ। चाइना ने इन सब के ऊपर जो है वो काबू पाया, अपनी आबादी के ऊपर काबू पाया, इन्होंने जो है रोज़गार के मौके पैदा किए लोगों के लिए जो है, ताकि लोगों के पास बेटा रोज़गार हो। कुछ सिस्टम इस तरह उन्होंने सेट किया कि जॉब करने वाले को जॉब मिल जाती है, बिज़नेस करने वाले को वो इस तरह सपोर्ट करते हैं, अपना छोटा मोटा बिज़नेस कर लेता है, कोई अगर ज़मीनों वगैरह पर काम करना चाहे तो उसका भी उन्होंने वहाँ सेटअप जो है वो किया हुआ है, ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह उन्होंने इसके ऊपर जो है वो काबू पाया हुआ, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारा दूसरा स्टेप, डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी, मईशत का अदम इर्तकाज, यानी जिसमें मईशत जो है उसका सेंटर नहीं है उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल से चाहता हूँ क्या, अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, ये जनाब हमारा फ़र्ज किया पाकिस्तान है, यहाँ पर इसमें ये मुल्तान है, ठीक है, ये फैसलाबाद है, ये हमारा कराची है, एक मिसाल है। हम देखते हैं यहाँ सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, टोटल इंडस्ट्रियल जोन है ये सारे जो है। अब आबादी का रुख किधर होगा, इधर इधर इधर, बाकी सारे इलाके क्या हो गए, खाली होंगे। हमने मईशत के मराकज बना दिए, मुल्तान में फॉर एग्जाम्पल स्टेट एरिया है, वो सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हुई हैं, हमारे इर्द गिर्द खाने वाला है, छोटा सा इलाका है, वहाँ पर कोई ऐसे कादरपुर रामा है, कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है, सदीकाबाद है वहाँ पर, कोई रामपुर है, कोई वहाँ पर जो कोई सर नहीं है, मुजफ्फरगढ़ है, इसके अलावा हमारे कुरबा जवार में डी जी खान है, रहीम यार खान, बहुत से, लेकिन वहाँ पर इस तरह उन्होंने नहीं किया, हमने मराकस मईशत के मराकस बना दिए। चाइना के अंदर ऐसा नहीं है, फर्ज़ किया चाइना में बहुत बड़ा मुल्क है, फर्ज़ किया चाइना ऐसे, अगर उसके अंदर एक इंडस्ट्री यहाँ लगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, बिल्कुल उन्होंने मईशत को पूरे अपने मुल्क में फैला दिया, कहीं मरकज़ नहीं बनने दिया। जब इस तरह मरकज बनते हैं तो फिर क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस, क्यों बेटा, जब रोजगार के मौके शहरों में, तालीम के मुतजारे के सारे शहरों का रुख करते हैं, चेहरा के अंदर ऐसे नहीं, उन्होंने मईशत का मरकज नहीं बनने दिया, उन्होंने कहीं पर जो डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जिसका मरकज था। द जाइगेंटिक चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा तजर्बा किया चाइना वालों ने, ना सिर्फ तजर्बा किया बल्कि बेटा उसको कामयाब भी किया, यानी खाली तजर्बे तो सारे कर लेते हैं, तजर्बा कर लेना बड़ी बात नहीं है बेटा, बड़ी बात यह है कि आप उसको कामयाब भी करके दिखें। डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया, इसका ताल्लुक सिर्फ एशिया से नहीं है, यानी ये सिर्फ एशिया वालों के लिए बाय से तकलीद नहीं है, हाउ एवर बट द बेस्ट टू मगरिब, मगरिब के साथ भी विच हैज़ ऑलवेज क्लेम्ड, ये विच बेस्ट के लिए जिसने हमेशा ये दावा किया है, टू हैव फाउंड द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। और एक बात अपने ये भी सर, आंसर के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ट्रू आती है, कि उसने इंसान का और तहजीब का मसले का फाइनल हल निकाल लिया। वो क्या है, वो कहता है जनाब आप अपने ना जी एन पी बढ़ा लो, ये क्या है, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल जो आपकी नेशनल प्रोडक्ट है आप बढ़ा लें, आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा लें, आप गंदम की पैदावार वाले सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये मगरिब ने हल दिया, चाइना ने क्या हल दिया वो भी हम पढ़ते हैं उसको, जो है चाइना ने जो हल दिया, चाइना ने हल दिया रिजेक्शन का, कि फ़र्ज किया अगर आपके इस वक्त सोर्सेज इतने नहीं हैं कि आपके सोर्सेज जो हैं, इफ सोर्सेज फेल टू कीप पेस विद डिमांड्स यू मस्ट रिजेक्ट, तो आपको चाहिए आप डिमांड रिजेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल चीनी कम पड़ गई है, चीनी अवेलेबल नहीं है, तो आवाम के अंदर ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि आवाम चीनी को मुस्तरद कर दोगे, ठीक है आप इसके बगैर गुजारा कर लेंगे, चीनी तो मतलब आप दूध फीका पी लें, चाय फीकी पी लें,
कोई ऐसा इशू नहीं है। डेनमार्क के अंदर अंडों की प्राइस पड़ी थी, बड़ा मशहूर हुआ क्या है, उन्होंने अंडे रिजेक्ट कर दिए, तो मजबूरन कंपनी को प्रीवियस प्राइस से भी थोड़ा सा नीचे आना पड़ा। रिजेक्शन की पॉलिसी, और जब और इस दौरान हर मुमकिन कोशिश करें अपनी क्या अपनी डिमांड्स के लेवल पर आ सके, यानी ये नहीं है वो रिजेक्ट करके एक्सेप्ट, ऐसा कुछ भी चाइना वालों रिजेक्शन की पॉलिसी अपनाई, लेकिन उसके साथ वो भरपूर कोशिश करते रहे, अपने इस्तेदाद को बढ़ाते रहे, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहे, और आखिरकार देखिए दुनिया के लिए वो पूरा एक मॉडल बन गया। इसके अलावा भी हल है, फॉर यस सालों से द चाइनीज हैव बीन स्ट्राइविंग, चाइना वाले इस कोशिश में टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज, कि दुनिया को ये बता सके थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रेटर, जो उनका सरकारी तर्जुमान है, हमारी हुकूमत के तर्जुमान होते हैं वज़ारत ख़ारिजा जो, एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ एडगर स्नो, बड़ा ही मशहूर अमेरिकन सहाफ़ी गुजरे बेटा एडगर स्नो, ये मोज़े तोंग से बड़ा इंप्रेस था, उसकी स्ट्रगल से बड़ा इंप्रेस था, ये उसके साथ अटैच हो गया सारी ज़िंदगी, उसके साथ चाहिए वाबस्ता रहा जो है अमेरिकन सहाफ़ी है, तो वो फिर इन्होंने इसको पर्सनल इसको इंटरप्रेटर लगा दिया चाइना का तर्जुमान जो है। That there are other important things in life besides increasing GNP. यानी GNP बढ़ाए बगैर दूसरी चीज़ें भी हैं जिन पर आप काबू पाकर आप जो है अपने मसाइल का हल कर सकते, ठीक है। Who is the official interpreter of माओ, कौन है बेटा वो, कौन है एडगर स्नो, वो एडगर स्नो, ठीक है। वो क्या बता रहा है, व्हाट हैव द चाइनीज बीन स्ट्राइविंग टू inform the world through Edgar Snow, क्या कोशिश कर रहे Edgar Snow के जरिए बताने की, क्या inform करना चाहते, बेटा सिर्फ GNP सारा कुछ नहीं, इसके अलावा अदर चीज़ें भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं। आप उनके आप सबसे पहले जब रिजेक्शन पे आते हैं ना, तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होता है, और इसके बारे जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते रहें तो वो चीज़ जो है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी कर देगी। आप जब उसके लिए कर्ज़े लेते हैं, जब आप उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो आपका मुल्क कर्ज़ों में डूब जाता है, तो इससे बेटा आपको नुकसान होता है, ठीक है बेटा। तो ये 54 लेक्चर हमारे यहाँ पे एंड, अब इसके रहेंगे सिर्फ सिनोनिम्स, वो हम बेटा करते हैं, ठीक है। हर लेक्चर में 54 के अच्छा aftermath असर को कहते हैं, इफेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है बेटा, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत अनलक्की हेरिटेज विरसा, ठीक है, इनहेरिटेंस या लेगेसी, ठीक है, ये बड़ा अहम है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये आया हुआ है। विद स्टैंड बर्दाश्त करना बेटा, बेयर टॉलरेट फेस करने को भी कहते हैं बेटा, एंड्योर को भी कहते हैं, ठीक है। एसेटिक, इसमें सी साकिन है, दरवेश
ये बेटा इंग्लिश का वर्ड है, पेपर में जो आया है इसका हर्मिट यही है बेटा इसका, ठीक है। ऐसा आदमी जो दुनिया के इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, मिलिटेंट जंगजू वॉरियर्स, ठीक है बेटा। प्लेक्ड ये एज ए वर्ब है यहाँ पर, मुबतला करना, ये होता है एफ्लिक्ट, ट्रबल, वरी, टॉर्चर भी होता है बेटा इसका, टॉर्चर दोनों होते हैं, फिजिकल भी होते हैं और मेंटल भी होते हैं। क्रॉस से मुराद यहाँ पर वाजे है, ऑब्वियस, क्लियर, अपेरेंट, ब्लाइंड, अंधाधुंध, ठीक है। और इससे मुराद है रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड, ठीक है जी। जाइगेंटिक बहुत बड़े को कहते हैं, ह्यूज, क्लोसल, इनॉर्मस, ये सारे यहाँ में प्रोडिजियस अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्लोसल अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सारे ह्यूज को कहते हैं। स्ट्राइव कोशिश करना, तो ये वर्ब जो ट्राई, अटेम्प्ट, मेक एफर्ट, लेबर को भी कहते हैं, इंटरप्रेटर, तर्जमान को कहते हैं बेटा, ट्रांसलेटर, ठीक हो गया बेटा। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ये आपका लेक्चर नंबर 54 कंप्लीट हो गया बेटा।